हेलो दोस्तों, मैं आपका चरणजीत सिंह चहल दोबारा आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे हार्ड वर्क के बारे में, स्मार्ट वर्क के बारे में, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है लूज वर्क के बारे में, जो लोग बेसिकली नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली सबसे मेन एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, एक होता गधा और एक होता घोड़ा। वेट दोनों ही उठाते हैं, है ना, पर घोड़ा घोड़ा ही होता है और गधा गधा ही होता है। तो मैं आपको समझाने का मतलब मेरा ये है कि आजकल लोग जैसे जिम्स के अंदर आते हैं तो आते ही वेट उठाना शुरू कर देंगे। अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं वो, जैसे आजकल की जो मंडीर है, मंडीर जो मैं पंजाबी में आपसे बताता हूँ, मंडीर होगी मतलब जो आजकल के नए लड़के हैं उनको पंजाबी में मंडीर कहते हैं, ठीक है, नई नई आई। तो इनमें क्या होता है, आते ही बस भी बन जाए बॉडी किसी तरह, भाई मुझे नहीं पता चाहे 10 दिन में बन जाए। आते ही उन्होंने क्या करना है, अब मैं वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अब मैं लगा रहा हूँ अपने बाइसेप कर्ल लगा रहा हूँ आराम से करोगे, उन्हें आके देखना शीशे में, मैं अपने शोल्डर मैट ट्रेन कर रहा हूँ, साइड लेटर लगा रहा हूँ, उन्होंने देखना आके ना यार ये तो बड़ा तगड़ा है, ठीक है। उन्होंने देखते देखते मेरे को कॉपी करना शुरू कर देना है भी, अगर मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस 50 किलो से लगा रहा हूँ तो वो भी पूरी कोशिश करते हैं वहाँ पहुँच जाए वहाँ किसी तरह, वो भी शायद पता नहीं हम 50 किलो उठा लेंगे और हमारा बन जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, कार्टून नेटवर्क की तरह हाथ तोड़ के नीचे गिर जाएंगे। भाई साहब हमें 12 साल हो गया यार वहाँ तक पहुँचने में, हमने इतना टाइम लगाया ना, वो ऐसे ही नहीं है, हमने इतने साल लगा दिए इसको, डेडिकेट कर दी अपनी लाइफ यार सारी इसी को, तो हम आज उस लेवल पे पहुँचे हैं। तो हम 10 दिनों में पहुँचने की सोच रहे हो, तो बड़ा फ़र्क है। अभी आजकल के लोगों में पेशेंस नहीं है, पेशेंस होनी बहुत जरूरी है हर चीज़ के लिए। अगर अब एग्जांपल आप कोई नया बिजनेस भी करते हैं उसको भी तो टाइम लगता है ना चलने में, ये तो यानी कि पहले दिन आपने खोला और 1,00,000 रुपये की सेल कर दिया आपने, वाह भी वाह क्या बिजनेस चला। कई बिजनेस को 6-6 महीने 7-7 महीने लग जाते हैं, आप अपनी पॉकेट से पैसा पे करते हो, उनका रेंट पे कर रहे हो, अपने जो आपने बंदे रखे उनकी आप अपनी पे कर रहे हो, तो ऐसे ही है हर चीज़ को टाइम लगता है। अब करें बात हार्ड वर्क की। अब जैसे मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, जैसे मेरे को कॉम्पिटिशन की प्रेप चल रही है तो मेरा हार्ड वर्क होगा, पर हार्ड वर्क के साथ मैं स्मार्ट वर्क भी करता हूँ। कई बार मेरे को लोग देखेंगे मैं बहुत हैवी लगा रहा हूँ, और कई बार मुझे देखेंगे बिल्कुल 5 किलो के डंबल के साथ ट्रेन कर रहा हूँ, क्यों, उसका कोई लॉजिक है करने का यार। लोग मुझे कहेंगे भाजी 5 किलो मजाक क्यों कर रहे हो, भाई मैं उनको समझाता हूँ, मैं यार तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आएगी, बिकॉज वो मेरे मतलब की चीज़ है, मुझे पता भी उसको उस मसल को मैंने कितने वेट के साथ हिट करना है। कई बार आप जब प्रेप की तैयारी कर रहे हो ना उसके अंदर आपको रेपिटेशन कई बार ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, अब मैं 50 किलो से यार 20 रैप तो नहीं लगा सकता या 30 रैप तो नहीं लगा सकता, तो उसके लिए मुझे उस उतने ही अफोर्डेबल वेट चाहिए कि जिससे मैं उस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह और सही पोस्चर के साथ परफॉर्म कर सकूँ और उसी मसल को जो है मैं हिट कर सकूँ। क्योंकि जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं ना, आप जैसे मैं कोई भी एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सपोज़ कि जिस तरह मैं चेस्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं बेंच प्रेस करने लगा हूँ तो उसके साथ मेरे 3 सपोर्टिव मसल यूज़ हो रहे हैं, मेरा डेल्ट यूज़ हो रहा है, मेरा ट्राइसेप यूज़ हो रहा है, मेरी एल्बो यूज़ हो रही है, फोर आर्म्स यूज़ हो रही हैं, तो दैट ये सारे मेरे सपोर्टिव मसल हैं जो उसके साथ यूज़ हो रहे हैं उसको पुश करने के लिए। अब वही बात है ना, तो अब लोग वो नहीं देखते, लोग नहीं भी यार उसने इतना वेट लगा दिया ऐसे करते, नहीं, सपोर्टिव मसल्स का भी बहुत रोल है, तो हमने उसको देख के एक प्रॉपर फॉर्म में उसको वहाँ हिट करना होता है। भाई इतने रैप चाहिए तो इतने चाहिए, अगर मैंने 40 रैप लगाना है तो मैंने 40 ही लगाने हैं यार, अब वो मैं 200 किलो पाके नहीं लगा सकता मैं 40 रैप, उसकी एक मोशन है ना, एक रेंज ऑफ मोशन है कि मैं इतना हूँ तो मैं इतना ही उठा सकता हूँ, तो हर एक चीज़ का तरीका है। तो लोगों को ये पता नहीं, लोग आपको देखा देखी में भी यार ऐसा बन जाएंगे, आज ये लगा रहा है 70 किलो, ऐसे देखेंगे उठ के अच्छा ये लगा रहा है, वो खुद भी लग जाएंगे क्या, उनको पता ही नहीं होता कि फॉर्म क्या है, पोस्चर क्या है, करेक्शन क्या है, वो तो ऐसा करो कि रब की दुआ उनको कुछ होता नहीं, अगर ये चीज़ मैं करना शुरू कर दूँ मेरे तो चारों तरफ पट्टियाँ बन जाएंगी अगर ऐसी हरकतें मैं करना शुरू कर दूँ तो। अब वही बात है ना, अब जैसे हम भी अब देखते हैं YouTube के ऊपर वीडियोस हैं, कितने बॉडी बिल्डर्स हैं, सब मोटिवेशन वीडियोस आती हैं सबकी यार, लोग इन्हीं को देख के बूस्ट होते हैं जब वो कानों में बजती है और वेट बज रहा लोग लगा रहे हैं, बट एक उनका लेवल देखो ना यार कितना है, उनको 20-21 साल हो गए हैं वो तब वहाँ पहुँचे हैं, लोग उनकी वीडियो देख के सोचते हैं भाई महीने में तैयार है ऐसी बॉडी भी, ऐसा महीने में तो ऐसा कीड़ा भाई चमत्कारी बाबा का वो चूरन खा लेगा जो इतना खतरनाक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो मेरा बस मोटिव यही था आपको कहने का, भी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क जो होता है वो अकल के साथ होता है, तो घोड़ा बनो गधा ना बनो। थैंक यू सो मच। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे एक लिंक दिया उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही मेरी वीडियोज़ का मजा लेते रहें।